आज हम बनाने वाले हैं खोया के लड्डू। ये लड्डू बहुत ही टेस्टी लगते हैं, घर में इन्हें बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है। आप लोगों ने किसी भी त्यौहार पर या कोई भी व्रत में भी बनाकर खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए यम्मी यम्मी लड्डू बनाना शुरू करते हैं। लड्डू बनाने के लिए ड्राई फ्रूट्स भून लेंगे, मैंने किशमिश, खरबूजे के बीज और चिरौंजी ली है। अब इसमें हम एक चम्मच घी डाल देंगे और इनको अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें हम ये सूखा नारियल ग्रेट किया हुआ डाल देंगे और इसे भी भून लेंगे। ड्राई फ्रूट्स भुन गए हैं, अब इन्हें हम पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे। ये मैंने 400 ग्राम होममेड खोया लिया है, इसे मैंने अच्छे से भूनकर पूरी तरह से ठंडा कर लिया है और इसे क्रम्बल कर लिया है। खोया का वीडियो मैं पहले ही बना चुकी हूँ, आप लोग ज़रूर देखिएगा, लिंक मैं नीचे आप लोगों को दे दूँगी। अब इसमें हम चीनी ऐड कर देंगे। 400 ग्राम खोया में 200 ग्राम पिसी हुई चीनी ऐड कर देंगे। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है या कम मीठा पसंद है, आप उसी हिसाब से चीनी ऐड कर सकते हैं। इलायची पाउडर ऐड कर देंगे, जो मैंने ड्राई फ्रूट्स भुने थे उन्हें मैंने ठंडा कर लिया है, उनको भी ऐड कर देंगे। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। हम थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके लड्डू बना लेंगे। आप अपने हिसाब से छोटे बड़े लड्डू बना सकते हैं। ध्यान रहे खोया भूनने के बाद पूरी तरह से ठंडा कर लें, नहीं तो खोया गीला हो जाएगा और लड्डू अच्छे से नहीं बनेंगे, ढीले ढीले लड्डू बनेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से लड्डू बने हैं और शाइनिंग भी देखिए कितनी अच्छी आई है। ऐसे ही हम सारे लड्डू बना लेंगे। ये देखिए मैंने सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। लड्डू कितने सॉफ्ट और स्वादिष्ट बने हैं, देखिए इनकी शाइनिंग। इनका टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत ही टेस्टी लड्डू बने हैं, आप लोग जरूर बनाकर खाइएगा। ये देखिए हलवाई स्टाइल मावा के लड्डू बनकर तैयार है। ये लड्डू खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं, आप लोग इन्हें बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने के बाद रेसिपी पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय एंड टेक केयर।